हाय गाइस, वेलकम यू ऑल वंस अगेन। और आज के इस वीडियो में हम लोग टाइमर जीरो की प्रोग्रामिंग को देखेंगे। बेसिकली यहाँ पर हम लोग कुछ स्क्वायर वेव्स को जनरेट करेंगे बाय यूजिंग टाइमर जीरो। तो टाइमर की प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए टाइमर की वर्किंग और इसमें यूज़ होने वाले रजिस्टर्स के बारे में। तो अगर आप लोगों को इस बारे में नहीं पता है तो आप प्रीवियस दो वीडियोज़ यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो नंबर 24 और 25। तो फिलहाल हम लोग अपने प्रोग्रामिंग को शुरू करेंगे। प्रोग्रामिंग को शुरू करने से पहले हम लोग अपने कुछ कैलकुलेशंस को यहाँ पर देख लेते हैं। मैं यहाँ पर इंटरनल ऑसिलेटर को यूज़ करूँगा जो कि आपका 1 MHz का है, मतलब कि 10^6 Hz इसकी फ्रिक्वेंसी होगी। इसके बाद टाइमर जीरो के साथ हम लोगों को कुछ प्री डिफाइंड प्री स्केलर्स मिलते हैं, इनमें से मैं 1024 को यूज़ करने वाला हूँ। तो जब हम लोग यहाँ पर 1024 प्री स्केलर यूज़ करेंगे तो टाइमर जीरो के लिए हम लोगों को जो इफेक्टिव फ्रिक्वेंसी मिलेगी वो होगी 976.5625 Hz के आसपास। तो इससे हम लोग इफेक्टिव टाइम निकालेंगे अपने टाइमर जीरो के लिए जो कि 1.024 मिलीसेकंड्स आएगी। इसका मतलब ये है कि आप लोगों का जो टाइमर जीरो है वो 1.024 मिलीसेकंड्स में अपनी वैल्यूज को इंक्रीमेंट करेगा। इसके बाद हम लोगों का जो टाइमर जीरो है वो 8-bit का है, मतलब कि इसमें जो मैक्सिमम काउंट हो सकता है वो 255 तक जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर होगा क्या, देखिए हम लोगों का जो टाइमर है वो 1.024 मिलीसेकंड में अपनी वैल्यूज़ को इंक्रीमेंट करता रहेगा और ये जो वैल्यूज़ हैं वो 255 तक जाएंगी। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, जब हम लोग 1.024 × 255 करेंगे तो हम लोगों का समथिंग अराउंड 261.12 मिलीसेकंड्स आएगा। तो ये टाइम बेसिकली है जिसमें हम लोगों का टाइमर ओवरफ्लो हो जाएगा, मतलब कि हम लोगों के टाइमर को 0 से लेके 255 रीच करने के लिए 261.12 मिलीसेकंड्स लगेंगे। तो ये हम लोगों की कुछ कैलकुलेशंस थी। इसके बाद हम लोग अपने टास्क को देख लेते हैं। सो टास्क बेसिकली ये है कि हम लोग एक LED को PB0 से कनेक्ट करने वाले हैं और हम लोग अपने टाइमर को स्टार्ट करेंगे 0 से। ओके, सो ये हम लोगों का टाइमर है जो कि 0 से स्टार्ट होगा और जब तक ये वैल्यू हम लोगों की 127 रीच नहीं करती, मतलब कि जब तक कि टाइमर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 127 है, इस कंडीशन में हम लोग अपनी LED को ऑन रखेंगे। ओके, और जैसे ही ये वैल्यू 127 से ज़्यादा होगी हम लोग अपनी LED को ऑफ कर देंगे। तो बेसिकली होगा क्या, हम लोगों का टाइमर जीरो से स्टार्ट होगा, 127 तक हम लोगों की LED ऑन रहेगी, 127 से वैल्यू जैसे ही एक्सीड करेगी हम लोगों की LED ऑफ हो जाएगी। और ये कंडीशन हम लोगों की कब तक रहेगी, जब तक हम लोगों के टाइमर की वैल्यू 255 नहीं हो जाती। अब जैसे ही हम लोगों का टाइमर की वैल्यू 255 रीच करेगी टाइमर अगेन ओवरफ्लो होगा और जैसे ही टाइमर आपका ओवरफ्लो होगा ये वैल्यू अगेन ज़ीरो हो जाएगी तो आपकी LED ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। तो ये चीज़ हम लोगों का बार बार यहाँ पर होता रहेगा। तो आउटपुट बेसिकली यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए हम लोगों की जो LED है वो ब्लिंक करेगी एवरी 130 मिलीसेकंड्स के बाद। ये 130 मिलीसेकंड्स बेसिकली आया कैसे है, देखिए ये हमारी कैलकुलेशन से आया है। ये 127 जो वैल्यू है यहाँ तक हम लोग अपने LED को ऑन रखेंगे। अगर आप 127 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.024 से, जो कि हम लोगों का टाइमर लेता है एक वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, तो आप लोग पाएंगे ये वैल्यू 130 के अप्रॉक्स आएगी। सो इसका हम लोग पहले सिमुलेशन कर लेते हैं और उसके बाद प्रोग्रामिंग देखेंगे। सो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर सिमुलेशन किया हुआ है। आप लोगों को यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स की ज़रूरत होगी। इसमें आपको 8 MHz चाहिए, एक LED चाहिए और एक आपका ऑसिलोस्कोप चाहिए। तो ये चीज़ आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं। सो होने क्या वाला है बेसिकली, यहाँ पर देखिए हम लोगों की ये जो LED है वो टाइमर जीरो के करस्पॉन्डिंग ऑन और ऑफ होगी और इसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों को जो भी वेवफॉर्म यहाँ से मिलेगी उसको हम लोग ऑसिलोस्कोप में देखने वाले हैं। सो ये है हम लोगों का ओवरऑल सिमुलेशन। नेक्स्ट हम लोग प्रोग्रामिंग देखते हैं। सो प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हम लोगों को avr/io.h नाम के हेडर फाइल को इंक्लूड करना है और इसके बाद हम लोगों का मेन फंक्शन आएगा। नेक्स्ट हम लोगों को PB0 को एज आउटपुट लाइन डिफाइन करना होगा,
क्योंकि हम लोग इसमें ही अपनी एलईडी को कनेक्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा DDR B इज इक्वल टू 0B00000001। इसको आप लोग वैसे हेक्स में भी लिख सकते हैं 0X01, बट सिंपलिसिटी के लिए मैंने आप लोगों को ये बाइनरी में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को टाइमर जीरो को सेटअप करना है। उसके लिए हम लोगों के पास TCCR0 रजिस्टर है और ये बेसिकली 3 बिट्स का होता है और इसका यूज़ हम लोग क्लॉक सोर्स को सेलेक्ट करने के लिए और उसके प्री स्केलर को सेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग TCCR0 को कुछ ये वैल्यू देंगे। इससे बेसिकली होगा क्या, हम लोगों का इंटरनल क्लॉक सोर्स सेलेक्ट होगा और प्री स्केलर 1024 सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, देखिए हम लोग TCNT0 को 0X00 दे देंगे, मतलब कि इनिशियल जो हम लोगों के टाइमर जीरो की वैल्यू है वो 00 होगी। तो जैसे ही हम लोग अपने टाइमर जीरो को सेटअप करेंगे और इसकी क्लॉक सोर्स को सेलेक्ट करेंगे, वैसे ही हम लोगों का टाइमर ऑटोमेटिकली अपनी वैल्यूज को इंक्रीमेंट करने लगेगा। तो नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पर काम क्या है, हम लोग अपनी कंडीशंस लगाएंगे। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पर एक इनफाइनाइट लूप लगा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को अपनी एलईडी को बार बार ऑन ऑफ करना है, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों की इफ कंडीशन आएगी और इफ कंडीशन में हम लोग चेक करेंगे अपने TCNT0 की वैल्यू, ओके। सो जब तक हम लोगों के TCNT0 मतलब कि टाइमर की वैल्यू जब तक 127 से कम होगी या इक्वल होगी, उस केस में हम लोग अपनी एलईडी को ऑन रखेंगे और जैसे ही ये वैल्यू एक्सीड कर जाएगी 127 से, हम लोग अपनी एलईडी को ऑफ कर देंगे। तो बेसिकली यहां पर होने क्या वाला है, देखिए हम लोगों का TCNT0 में इनिशियली जीरो वैल्यू है और हम लोगों ने यहां पर एक क्लॉक सोर्स भी सेलेक्ट किया हुआ है। तो जैसे जैसे हम लोगों के टाइमर को क्लॉक सोर्स मिलती रहेगी, वैसे वैसे हम लोगों का ये जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती रहेगी और जब तक ये वैल्यू 127 से नीचे रहेगी या उसके इक्वल रहेगी, तब तक हम लोग PB0 से कनेक्टेड अपनी एलईडी को ऑन कर देंगे। और जैसे ही ये वैल्यू 127 से एक्सीड कर जाएगी, हम लोग अपनी इस एलईडी को ऑफ कर देंगे और ये एलईडी हम लोगों की तब तक ऑफ रहेगी जब तक हम लोगों का ये टाइमर अगेन ओवरफ्लो नहीं हो जाता। तो जैसे ही हम लोगों का टाइमर 255 से एक्सीड कर जाएगा, वो अगेन जीरो में आएगा और जैसे ही ये वैल्यू जीरो आएगी, वैसे ही हम लोगों की एलईडी अगेन ऑन हो जाएगी और ये जो चीज़ है ये हम लोगों की इनफाइनाइट टाइम्स के लिए होती रहेगी। तो ये हम लोगों का प्रोग्राम है। अब इसको हम लोग यहाँ पर से कंपाइल कर लेंगे, यहाँ से आप लोगों को इसको बिल्ड करना है। सो बिल्ड हो चुका है मेरा ये प्रोग्राम, इसको हम लोग अब सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में डाल के देख लेंगे। सो यहाँ पर हम लोगों को डबल क्लिक करना है और इसके बाद जो भी आपकी एक्स फाइल जनरेट हुई होगी आप लोग उसको यहाँ पर डालेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर CKSEL जो है इसको आप डिफ़ॉल्ट रखेंगे, ये आप लोगों की 3-4 MHz अगर है तो उसको आप लोगों ने डिफ़ॉल्ट सेट कर लेना है, ओके। इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको ओके प्रेस करेंगे। सो नेक्स्ट हम लोग अपने एनिमेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर हम लोगों का जो LED है वो ऑन ऑफ हो रही है और यहाँ पर हम लोगों को कुछ वेवफॉर्म्स मिल रही हैं, ओके। तो इन वेवफॉर्म्स को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हम लोगों का क्या है, ये 0 सेकेंड है, मतलब कि यहाँ पर से हम लोगों का रेफरेंस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको ऑटो को क्लोज करता हूँ तो आपकी जो वेव फॉर्म्स हैं वो स्टॉप हो जाएंगी। तो 0 से हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है और जिस समय हम लोगों का 0 सेकेंड है उस कंडीशन में हम लोगों की LED ऑफ है, ओके। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे देखते हैं हम लोगों का LED का स्टेटस कहाँ पर जाके चेंज होता है। तो देख सकते हैं आप लोग ये 130 मिली सेकेंड के बाद LED हम लोगों की ऑन हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद अगेन ऑन होने के बाद ये 130 मिली सेकेंड्स के बाद मतलब कि 260 मिली सेकेंड्स के बाद अगेन ऑफ होगी, ऑन होगी, ऑफ होगी, ऑन होगी, सो ऑन। तो ये हम लोगों ने बेसिकली स्क्वायर वेव्स को यहाँ पर जनरेट किया हुआ है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, हम लोग बेसिक टाइमर के कंसेप्ट से एक लिमिट तक की ही फ्रिक्वेंसी को जनरेट कर सकते हैं, मतलब कि एक लिमिट तक की ही डिले को हम लोग यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। मतलब कि हम लोग अगर 1 MHz का ऑसिलेटर यूज़ कर रहे हैं, 1024 का प्री स्केलर यूज़ कर रहे हैं, तो
तो उस कंडीशन में एक लिमिट तक की ही डिले हम लोग यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आप लोगों को डिले जनरेट करना है तो उस केस में हम लोगों को इंटरप्ट के कंसेप्ट को यूज़ करना पड़ता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटरप्ट के कंसेप्ट को। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आप लोगों के कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ। बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड लोगों के साथ आप लोग ज़रूर शेयर करें जो इस टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।